हाय, माय नेम इज़ बिपिन बिपिन मेढ़ा और मैं मुंबई से हूँ, साउथ मुंबई से। और मुझे दोनों आँखों में नंबर्स थे। मेरा लेफ्ट आई में -4 हो चुके थे और यहाँ पर -3 हो चुके थे। तो एक्चुअली स्पेशली लेफ्ट आई में ज़्यादा नंबर्स था। विदाउट स्पेक्स मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता था। विदाउट स्पेक्स मैं ना देख ही नहीं पाता था, बहुत ब्लर दिखता था। कभी से समझो घर पे स्पेक्स भूल गया तो वापस मैं स्पेक्स लेने के लिए घर जाता था, इतना डरा हुआ रहता। तो एक बार मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे जो मुंबई आई केयर में जाके आप जो है आपको आंखों का ज़रा जो है ट्रीटमेंट करवा लो, एक बार दिखा दो डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मैं पहले नहीं मान रहा था, मैं डर रहा था कि आंखों का सर्जरी नहीं करवाना है। देन शी फोर्स मी, तो आई केम हियर। तो सर ने मुझे काफ़ी रिलैक्स उन्होंने मुझे किया, बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी आंखें भी है ना कैपेबल है सर्जरी के लिए। और मैंने पूछा कि पेन होता है क्या, कि कितना टाइम लगता है। उन्होंने बोला 5 से 10 मिनट होगा तुम्हारी सर्जरी को और कुछ पेन नहीं होता, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं काफ़ी स्कैर्ड था कि फिर 2-3 दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, एक वीक घर पे बैठना पड़ेगा, ऑफिस जा पाऊँगा, काम पे जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन के तो 2-3 दिन तो बहुत हो गया, 2 दिन के बाद तू ऑफिस जा सकता है। देन आई वॉज ओके। तो भी मैंने एक वीक सोचने के लिए टाइम लिया, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं मैं अभी करवा लेता हूँ। बार बार स्पेक्स चेंज करना, स्पेक्स का भी खर्चा, लेंस का खर्चा होता था। तो फिर मैं आया तो सर ने मुझे मेरा जो आंखों का सर्जरी किया, और काफ़ी मुझे, मैं पहले बहुत डर गया था। सर को मैंने बोला भी सर थोड़ा है ना टेंशन आ रहा है। सर बोला कुछ नहीं, कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर सही में उन्होंने जब आंखों में वो लगाया मशीन वगैरह और सिर्फ मुझे बोला कि आंखों के सामने जो एक लाइट आएगी जस्ट तू उसको फोकस कर। तो मैंने लाइट को देखा और उन्होंने कुछ मेडिसिन डाला और 2 मिनट यहाँ पर, 2 मिनट यहाँ पर हो गया ऑपरेशन। आई वॉज लाइक करे वाह इतना जल्दी हो गया, और मुझे तो एकदम मतलब यकीन नहीं हुआ था। फिर 2 दिन इरिटेशन थोड़ा हुआ क्योंकि वो जो लाइन्स बिठा थे इसके लिए। तीसरे दिन मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया, तो अभी मेरी आँखें ऑलमोस्ट 70-75% बेटर है। ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया, मैंने स्पेक्स नहीं पहना है। और सर ने बोला कि और 2-3 महीने में और मेरा विजन और डेवलप्ड होगा, सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और सर का एक खासियत है, उन्होंने काफ़ी मुझे रिलैक्स कर दिया था कि कुछ टेंशन मत ले, डर मत, आराम से हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो दैट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट।